Hello students, Veradana Sudana and welcome to Sudana Special Classes. This is the video series for specially 9th class students who have 8th class complete and they are promoted into 9th class. So, today's topic is how to study 9th grade after passing 8th. 8th class you have passed, okay, well and good, very good. But now you are promoted into 9th grade. Now, what is 9th grade? This is the turning point of your education career, education life. Because in the 9th class, oh, scenario, oh, concept, jo tusi 8th tak padh chuke, it become vast. So, thode je hun khol jange, thode je vast ho jange. And you have to adapt a new method of study from this session, from this 9th class session. Theek hai? Kyon main gal keh raha hai? Kyunki bahut sare students nu 9th class de vich bahut zyada problems aundi hai. How to grab the knowledge, how to acquire the knowledge. Te aaj jehdi knowledge apan grab kar rahe hain, acquire kar rahe hain, isnu implement kidda karna hai, inda fayda ki hai. ठीक है, तो आज अपन लेके आ रहे हैं कि these are the main 6 points that how to study in 9th grade after passing year. So first point है जी अपना reject the old method of study, जिधर अपना rectification वाला cramming वाला method है उसमें तो नू छड़ना पहना, क्योंकि देखो यार हल्ले तक teachers की करते सी या school दे वैसे up to 8th class की होता है कि teachers तो नू notes notebook दे ऊपर लिखवा देंगे हैं, उन्हें दे वैसे question answer भी होते हैं, basics भी होते हैं, and you have to just learn them. उन्हें नू रट्टा मार के बस याद ही करना है question नू, तो बस वो paper दे वैसे आने हैं, and you have to just write them and get the marks. पर हम 9th क्लास दे विच या 10th क्लास दे विच बेसिकली आप हम सिर्फ ते सिर्फ तुहानू कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सिर्फ टॉपिक बारे दसा जाएगा, टॉपिक दी फुल डिटेल दसी जाएगी, बट क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली जिवें 8th क्लास दे विच तुहानू लिखवाए जांदे सी, डायरेक्ट उदां क्वेश्चन नहीं लिखवाए जांदे. ठीक है, हम क्वेश्चन जिधर हो तो नू आप सोचने पड़े हाउ द क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मतलब इस कॉन्सेप्ट द विच उस टॉपिक द विच उतना दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू ओपन योर माइंड, ना सेकंड पॉइंट है, सो यू हैव टू ओपन योर माइंड फॉर द न्यू नॉलेज, नवी तरह की जी नॉलेज हम दे रहे हैं टीचर्स. ठीक है, वो हम तुम्हें अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा, हम तुम्हें बनी बनाई दाल खिचड़ी नहीं मिलनी, हम तुम अपने आप सारा मटीरियल सारा कुछ अपने आप प्रिपेयर करना पड़ेगा. टीचर इज देयर फॉर गाइडिंग यू, टीचर इज देयर फॉर हेल्पिंग यू, वो थोड़ी हेल्प करने वास्ते, वो थोड़ा गाइड करने वास्ते इत्थे ही है, हमेशा इत्थे ही है, मैं भी इत्थे ही हाँ, बट हुण तुहानू अपने आप अपना काम करना पैना है, अपने आप तुहानू हुण दिखाना पैना है कि यस वी कैन डू समथिंग, वी कैन लर्न समथिंग एंड वी कैन अपलाई दैट लर्निंग ऑल्सो इन आर लाइफ एज वेल. ओके, सो थर्ड पॉइंट, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट तुहानू समझाया जाऊगा यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग विद इन योर माइंड, तुहानू हुण ब्रेन दे विच उन्नू विजुअलाइज करना पड़ेगा. जिवें मैं फिजिक्स की गल करना, अपना जिहड़ा मेन सब्जेक्ट है, कि जे कोई कार जा रही है, जे मैं बोलदा कार इज moving with the speed of 10 meter per second, तो वो मान के सोच लेना कि हाँ 10 meter per second की speed में ना जा रही है. ओके, जो कोई stone drop हो रहा है from a certain height h, तो तुसी दिमाग दे विच लगा लेना कि हाँ कोई stone कोई ना कोई drop हो रहा है from the certain height h. मतलब कि ये कहना, जो भी concept specially physics या science basically जो भी concepts होंगे you have to visualize in your mind, दिमाग हों चलाना पड़ना दोनों. ठीक है, now after that fourth point come clear your basics first, मतलब तो नो अपने basics clear होने चाहिए, चाहे वो definitions है, चाहे वो units है, चाहे वो पंजाबी हिंदी जेडी मर्जी language है, तो नो उन्हें दे basic clear होने चाहिए, उन्हें दे एक pattern, उन्हें दे कहानी clear होने चाहिए अपने दिमाग दे बच, after that you can able to solve the questions. तो here come the fifth point, try to solve the question by yourself. जो भी question तुम्हें provide किते जाएंगे by your respective teachers या जो भी questions मैं तुम्हें provide करेगा, वो पहला तुसी question नू पढ़ना है, आराम नाल उन्दी depth समझनी है, की question दे विच पूछा गया, after that you have to able कि वो question नू कितना solve किता जा सकता है, उन एक question नू solve करने दे भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हो सकता मेरा कोई और तरीका हो, तुहाडा कुछ और तरीका हो, पर किसी भी हालत दे विच तुसी दिमाग नू प्रोसेस करना है. मेन 9th क्लास दे विच इस चीज दे उत्ते जोर दिता जांदा कि हाउ द माइंड वर्क एंड हाउ इज माइंड प्रोसेसिंग, कि वो कितना प्रोसेस करेगा किसी भी एक इंफॉर्मेशन. ठीक है, आफ्टर दैट मेन अपना लास्ट 6th पॉइंट आ रहा है, मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन. जो भी तुहानू कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, जो भी तुहानू नॉलेज दी जाएगी, उस दे प्लीज नोट्स चंगी तरह प्रिपेयर करने हैं, अपनी नोटबुक को चंगी तरह प्रिपेयर करना है. यू हैव टू राइट द बेसिक्स,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਰ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਫੋਰ ਦਾ ਨਿਊ ਨੌਲੇਜ, ਸਟਾਰਟ ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅ ਕੋਨਸੈਪਟ, ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਬੇਸਿਕ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਫਸਟ ਸੀ ਹਾਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੋਲਵਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕ ਯੋਰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਨ ਯੋਰ ਫਰਦਰ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਵੈਲ। ਵੇਟ ਵੇਟ ਵੇਟ, ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲੇ? ਦੇਖੋ, ਨਾਈਨਥ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਨਥ ਕਲਾਸ ਕਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਸਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਪੁਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਯੂਟਿਊਬ ਫਰੋਮ ਟੁਮੋਰੋ ਐਟ 10 o'clock। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਵਨ ਔਰ ਟੂ ਕੋਨਸੈਪਟ, ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਪੁੱਟ ਦ ਨਿਊ ਕੋਨਸੈਪਟ, ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਫੋਰ ਯੂ ਗਾਇਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈਜ਼ ਪੁੱਟ ਸਮ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਯੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਸਿਡਰ ਐਂਡ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ, ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗ੍ਰੇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।